अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है याफ़ी और आप मेरे साथ देख रहे हैं ग्रामीण डिस्कवरी चैनल। तो दोस्तों, आज ग्रामीण डिस्कवरी चैनल आपकी मुलाकात करवाएगा एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान से, जो कि बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही सुरीला गाते हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे कुछ सुनेंगे भी और महजूज होंगे। तो इनका नाम हसीब कज़लबाश है और ये लाहौर के रिहायशी हैं। हसीब भाई, पहले तो ये कि आप करते क्या हैं? मेरा बेसिकली स्टेनलेस स्टील का काम है। अच्छा, रीलिंग्स वगैरह। सही। तो ये गायकी का शौक आपको कब से पड़ा और कहाँ से पड़ा? बचपन से ही मुझे शौक था इस चीज़ का। अच्छा, गॉड गिफ्ट थी। ठीक है, और बस अब गा लेते हैं थोड़ा बहुत। सही। तो आप अब हमें कुछ सुनाएं, हमें अपनी आवाज़ से महसूस करें। पंजाबी सुनेंगे या उर्दू में? ये आपकी मर्जी है, जो आपका दिल करता है। आप हमारी व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को आप जो कुछ भी सुनाना चाहते हैं। चलें पंजाबी सुना लेते हैं हम। ठीक है, मैं नैना दे बूहे खोल ले। जी जी जरूर। मैं नैना दे बूहे खोले, मैं बुए खोले, लंघदा माही होके ओले, मैं नैना दे बुए खोले, आण दा कहके मुड़ नहीं आया, आणदा कहके मुड़ नहीं आया, वाह सजना तेरे टाल मटोले, वाह सजना तेरे टाल मटोले, मैं नैना दे बुए खोले, मैं माये दी माया मेरा, मैं माये दी माया मेरा, माया मैनू जम जम रोले, माया मैनू जम जम रोले, मैं नैना दे बुए खोले। वाह 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 वाह, माशाल्लाह हसीब भाई, आपको तो खुदा ने बड़ा प्यारा तोहफा दिया हुआ। तो आप इसको प्रोफेशनली भी कैरी करते हैं, आप बकायदा भी गायकी का शौक रखते हैं कि इसको सिर्फ अपने शौक की हद तक आपने रखा हुआ? अभी शौक की हद तक भी रखा हुआ है, और कई कई जगह पर मैं पढ़ता भी हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी मिलाद वगैरह आ गया। अच्छा, मस्जिद अच्छा, मिलाद इस में मुहर्रम सफ़र में। ठीक है, उसके अलावा के सीते वगैरह मजालिस में। उसके बाद सारा साल पे सिंगिंग का भी साथ साथ बस कर लेते हैं। टिकटॉक वगैरह पे लगा ली, स्नैपचैट वगैरह पे। सही। बहुत आपकी प्यारी आवाज़ है, और कुछ और भी सुनाए हमें। हमारी ऑडियंस आपसे यकीनन आपको पसंद करेगी, और आपसे और भी इन फ्यूचर भी बहुत कुछ सुनना चाहेगी। तो पंजाबी सुना देता हूँ आपको, कुछ भी जो आप करें। ज़्यादा जो लैंग्वेज मैं पसंद करता हूँ ना जी जी गायकी में, वो मैं ज़्यादा पंजाबी खान को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और फॉलो भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ बस फॉलो ही करना होता है, बाकी भी जैसे कोई भी नहीं गा सकता। वाह वाह, बहुत प्यारी और मुनफरद यह वो चॉइस है। तो हमें कुछ सुनाए। तो उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब का ये गाना, मरहूम डेथ हो गई उनकी कुछ साल पहले, उनका एक गाना दर्द रुकता नहीं एक पल भी, तो मैं फिर आगे पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सुनिएगा।
उदासियां जो न लाते तोर क्या करते, न जश्न शोला मनाते तोर क्या करते, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीक, हम अपना घर न जलाते तोर क्या करते, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सजा मिल रही है, मौत से पहले ही मर गए हम, चोट नजरों की ऐसी लगी है, दर्द रुकता नहीं एक पल भी, बेवफा इतना एहसान कर दे, कम से कम इश्क की लाज रख ले, बेवफा इतना एहसान कर दे, कम से कम इश्क की लाज रख ले, दो कदम चल के कांदा तो दे दे, दो कदम चल के कांदा तो दे दे, तेरे आशिक की मैयत उठी है, मौत से पहले ही मर गए हम, ओ रब दुखी दिल मेरा का दिल ही बनाया है, ओ रब दुखी दिल मेरा का दिल ही बनाया है, जिदा ना इलाज कोई ओई ओ रोग लाया है, ओ रब दुखी दिल मेरा का दिल ही बनाया है। अगला बोल दिया, अगला बोल दिया, जेड़ा तेनू आख्या सारिया वो ते पढ़ ला, बोल जिन्हू कीते वादे, वीडियो चलती जा रही है, कह रही जिन्हू कीते वादे दा ख्याल कदी रहा नहीं, जिन्हू कीते वादे दा ख्याल कदी रहा नहीं, भूल के भी जिने कदे ना मेरा ले आ नहीं, ओ जिदे पीछे सी घर बार लुटाया है, जिदा ना इलाज कोई ओ यो रोग लाया है, ओ रब दुखी दिल मेरा का दिल ही बनाया है। वाह 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 आसिफ भाई, माशाल्लाह आपने कमाल कर दिया। आप इस शौक को मुस्तकबिल में भी जारी रखने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप जो है वो इसको जो है प्रोसीड करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है और अगर आप ऐसी और अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहें तो इस चैनल को देखते रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका बहुत शुक्रिया।